सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आरोप शहर कायद में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानब ऐसी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी है डी एम सी साउथ के डायरेक्टर मोहम्मद रईसी और ऑपरेशन इंचार्ज शाहनवाज की जेर निगरानी में रंछोड़ लाइन मारवाड़ी लाइन और सिविल अस्पताल में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया मारवाड़ी लाइन में ऑपरेशन के दौरान सौ के करीब फुटपाथ और सड़क पर बनी गैर कानूनी तजावजात मसमार कर दी गयी जबकि दूसरी कार्रवाई सिविल अस्पताल क्वार्टर में की गयी जहाँ पचास ऐसी जायदेद तजावजा मस्मार की गयी सिविल अस्पताल क्वार्टर में दौरान ऑपरेशन डी एम सी साउथ के अमले को मजाहत का सामना भी करना पड़ा तहमीसी साउथ ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखते हुए दोनों इलाकों में एक सौ पचास ऐसी जायद गैर कानूनी तजावजा मसमार कर दी मजीद जानते हैं नुमाइंदा कौमी आवाज़ न्यूज सुमैर गद्दी राजपूत से। जी सुमेर बताइएगा जी बिल्कुल देखें सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर शहर कैद में तजावजा के खिलाफ ऑपरेशन जारी है इस वक्त हम मौजूद है रंछोड़ मारवाड़ी लाइन के तराफ में जहाँ डी एम सी साउथ की जानब ऐसी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गयी सिविल क्वार्टर और मारवाड़ी लाइन में डेढ़ सौ ऐसी जायद जो तजावीजा थी फुटपाथ पर कायम और जो दीगर तजावीजा थी उन्हें मिसमार किया जा चुका है इसी हवाले ऐसी मज़दीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डीएमसी साउथ के डायरेक्टर मोहम्मद साहब जबकि तफसीत जानते हैं जी सर बताइएगा अब तक डीएमसी की जानब से कहाँ कहाँ ऑपरेशन अमल में लाया जा चुका है और अब जो है अगला आपका आइंदा का जो है ऑपरेशन कहाँ किया जाएगा वैसे तो डीएमसी साउथ के मेरे ख्याल से कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ हमने वो ऑपरेशन नहीं किया रिसेंटली जो हमारे ऑपरेशन तसलसल से जारी है वो सिविल हॉस्पिटल और रंचू लाइन मारवाड़ी मोल है सिवल हॉस्पिटल में तकरीबन अंदर जितने भी ओपन स्पेस थे क्वार्टरों से हट जो इलीगल क्वार्टर्स बने बैठे हैं तकरीबन पैंतीस से ज़ायद क्वार्टर्स थे इलीगल हमने वहाँ डिमोलिश किए हैं और मख्तलिफेड्स हैं वहाँ इवन के सैलानी सैलानी वेलफेयर सेंटर वालों का जो इलीगल बना हुआ था फ़ुटपाथ पे वो भी हमने डिमोलिश किए मुख्तलिफ पाथ्स हमने डिमोलिश किए है और रंच, रंचू लाइन में रंंचू लाइन मारवाड़ी मोहल्ले में तकरीबन हमने पचास से जायद दुकानें और शेड्स फुटपाथ वग़ैरह दिगर बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से डिमोलिश की है ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा तब तक के सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आते रहेंगे हमें उस तसलसल को हम जारी रखेंगे कहीं भी गैरकानूनी तजावीज़ा हमें नज़र आएँ फौरी तौर पर डी एम सी कोशिश कर करेगी वहाँ उन गैरकानूनी तजावीज़ात को हम बिस्मार करें हाल तो यह है ओवरऑल जितने भी पार्कस थे हमारे डी एम सी साउथ के जितने भी पार्कस थे जहाँ भी गैरकानूनी तजावीज़ कायम थे खबर इल्त क्लब के हवाले से हो या लोगों लोग काबिज़ थे या इवन के सरकारी ऑफिस भी बने हुए थे उनको भी हमने में शुमार किए हैं जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं खसूस पास और प्ले ग्राउंड एम्यूनिटी प्लाट्स के हवाले से इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है हम बिल्कुल ख़तान किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि किसी भी अम्यूनिटी प्लाट्स सरकारी या कोई जगह हो या तो पार्क प्ले ग्राउंड पर कब्जा करें अब जो रीसेंटली हमारा ऑपरेशन चल रहा है वो है फुटपाथ फुटपाथ और शेड्स जहाँ कहीं भी शेड से बाहर निकले हुए फुटपाथ पर अगर किसी ने गैरकानूनी दुकानें तमीर की हुई हैं हमने उनको मस्मार करना है उसके बाद उमन लोगों की ये शिकायत रही है कि जो पक्की दुकानें हैं उनको तो डी एम सी करती है लेकिन पतारे रेडी वगैरह वो कर रहते हैं वो आज हमने शुरू की है अलहमद से हमारी ये मुहिम शुरू है तो डमोलिश के बाद ग़ैरक़ानूनी जो तजावीज़ा शॉप्स या फुटपाथ वगैरह शेड्स हैं उनके साथ साथ हमने ये पतारे वगैरह जहाँ कहीं भी रोडों में हमें नज़र आएंगे हम वहाँ से बिल्कुल उनको फ़ौरी तौर पर उठा के अपने कब्ज़े में लेंगे आज जो हमने शुरू की है तक चाकीवाड़ा चाकीवाड़ा का इलाका है ली मार्केट की सराउंडिंग में है खजूर बाज़ार है च चौक वग़ैरह है जितने भी है इन तमाम इलाकों में इस वक्त तकरीबन छः से ज़ायद हमने ट्रक भर के ले गए जितने भी पतारे रेडी वगैरह है वो हमने अपने कब्ज़े में लिए हैं ले लिए हैं लेकिन हमारा मकसद आर्गज़ ये नहीं कि किसी का कोई माली नुकसान हो ना हम किसी को कारोबार हम किसी का कारोबार ख़राब करने हमारा मकसद है हम चाहते हैं कि कारोबार कोई करे लेकिन वह अपने हदूद में रह कर कहे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो फुटपाथ हमें ख़ाली मिलनी चाहिए सड़कें हमें खाली मिलनी चाहिए तो यकीन मैं कहूँ जिस दिन ये हाल पैदा होगा फुटपाथ और रोड खाली मिलेंगे तो कारोबार भी सही अंदाज़ में लोग चला पाएंगे और किसी आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ भी नहीं होगी देखिए असल असल इशू ये कि बहुत सारे सवाल यही जन्म ले रहे हैं डीएमसी के हवाले से कुछ एसेट्स ऐसे हैं वो अमलाक वो के एम सी की है जाहिर है के एम सी ने ही एक्शन लेनी है तो हम उसके कोऑर्डिनेशन में उनके साथ रहते हैं तो जाहिर के एम सी के जो हमलाक हैं डायरेक्टली वो डी एम सी खुद से नहीं कर पाएगी तो के एम सी एक्शन लेती है तो उसके साथ डी एम सी उसके साथ बराबर में उनके साना बशाना कड़ी रहेगी जिस तरह पेस मार्केट या तो बर्स रोड वगैरह लाइट हाउस गार्डन दीगर जहाँ जहाँ भी के एम सी ने ऑपरेशन की है डी एम सी उसके साथ रही है इन शाला मैं नहीं समझता हूँ कि ये सुसरोही का शिकार है ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं मुमकिन है कुछ लोगों को टाइम भी दिया होगा फिर वही बात आती है कि अरबों खरबों रुपये के सामान उनमें हैं ज़ायरे एक हज़ार दुकान या एक हज़ार या बारह सौ दुकानों को डिमोलिश करने में उनके सामान को शिफ्ट करने में ज़रा ज़ायरे टाइम लगेगा तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है कि सस्तरुई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है इस्ट्रिक्टली जो है ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो जजमेंट दी है उस पर कोई मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात हो नहीं सकती कि सस्रोई का मुजाहरा किया जाए